कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. एंड आई डेफ चलिए यहाँ पे ए बी सी हमारे पास तीन रॉ मटेरियल है और एक्स वाई जेड जो है वो प्रोडक्ट है. और प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट है वो मेरे को मिल रहा है 3660 और द नंबर ऑफ नहीं 40, 25 और 50. और जो अवेलेबिलिटी है मेरे पास में ए बी सी की कितनी है अवेलेबिलिटी 36 कितना 60 45 करेक्ट. तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लेते हैं. क्या होगा मैक्सिमाइज जेड, जेड क्या आएगा, क्या होगा जेड, हाँ 40x + 25y + 50z राइट, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी. इज इट करेक्ट? तो क्या आएगा कंस्ट्रेंट x + 2y + z शुड बी लेस देन और इक्वल टू 36. देन वी हैव 2x + y + 4z शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60. एंड थर्ड इक्वेशन इज 2x + 5y + z शुड बी क्या होना चाहिए 45xyz > 0. क्लियर है? दैट इज द प्राइमल प्रॉब्लम. अब अपने को ये प्राइमल का ड्यूअल लिखना है. तो पहले अपने एक काम करते हैं, ड्यूअल लिख लेते हैं. ड्यूअल हो जाएगा मीन W. क्या बनेगा W? कितने वेरिएबल आएंगे इसमें y1 y2 एंड y3, तीन कंस्ट्रेंट हैं. तो तीन वेरिएबल आएंगे. इज दैट क्लियर? पहला क्या हो गया मिनिमाइज W. W क्या होगा 36 y1 + 60 y2 + 45 y3. क्लियर है ये? ठीक बात है ये? चलिए सब्जेक्ट टू तीन वेरिएबल है प्राइमल में, तो तीन कंस्ट्रेंट आएंगे राइट. द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज क्या हो जाएगा 1y1 + 2y2 + 2y3 > 40. देन वी हैव 2y1 + y2 + y3 > 25. एंड वी हैव y1 + 4y2 + y3 should be greater than equal to 50. ठीक है बच्चों? चलो ये ड्यूअल आप जब लिख लिए तो फिर ये ड्यूअल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं समझ सकता हूँ.
सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम को समझना है तो मेरे को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री। क्या बोल रहे हो, कितना मटेरियल आएगा, कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, नहीं वो नहीं है। चलिए वाई वन वाई टू वाई थ्री को हम कहते हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री आर द शेडो प्राइस, या इसको हम यूनिट वर्थ कहते हैं, शेडो प्राइस और यूनिट वर्थ वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑफ रॉ मटेरियल ए बी एंड सी, रॉ मटेरियल ए बी एंड सी। बच्चों यहां पे 36Y1, मेरे पास मटेरियल ए की 36 यूनिट थी, करेक्ट है, 36 यूनिट है, और एक यूनिट का जो मैं कॉस्ट एज्यूम कर रहा हूं दैट इज इक्वल टू Y1, इज दैट क्लियर। तो मेरे टोटल जो रिसोर्स हो गए, जो मेरे टोटल रिसोर्स हो जा रहे हैं, उसकी वैल्यू आ रही है 36Y1 प्लस 60Y2 प्लस 45Y3, एम आई करेक्ट। मेरे पास जो रिसोर्सेज आ रहे हैं वो उसकी टोटल वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब मान लो ये रिसोर्स मेरे को खरीदना है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरे को ये रिसोर्सेज किसी से खरीद रहे हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेरे को मिनिमम पैसा देना पड़े, तो मेरा ऑब्जेक्टिव बन गया 36Y1 प्लस 60Y2 प्लस 45Y3, और इसको मेरे को मिनिमाइज करना है। इज इट क्लियर, ये स्टेटमेंट समझ में आया, ये समझ में आया बच्चों। देखो Y1 जो है वो मटेरियल ए का यूनिट वर्थ है, और मटेरियल ए की कितनी यूनिट आपके पास है, 36 यूनिट है, तो मटेरियल ए का टोटल वर्थ जो हो गया वो 36Y1, सिमिलरली बी के लिए हो गया 60Y2, और सी के लिए हो गया 45Y3। इज इट क्लियर। चलिए तो ये मेरे को अब इस कॉस्ट को मेरे को मिनिमाइज करना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द कंस्ट्रेंट वन, क्या बोल रहा है, Y1 प्लस 2Y2 प्लस 2Y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्या मतलब है इस कंस्ट्रेंट का। ये जो कंस्ट्रेंट हमने लिखी है Y1 प्लस 2Y2 प्लस 2Y3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देखो इधर देखो, एक यूनिट ऑफ ए, दो यूनिट ऑफ बी और दो यूनिट ऑफ सी, इसको मिलाकर मैं एक यूनिट ऑफ एक्स बना लूंगा, और एक्स पे मेरे को 40 रुपए का मुनाफा होगा। तो भैया जो जिस आदमी से मैं ये रिसोर्सेज खरीदूंगा वो 40 रुपए से कम में तो नहीं बेचेगा मेरे को, क्लियर हुआ बात। ये आप एक यूनिट ऑफ ए ले लो, दो यूनिट ऑफ बी ले लो और दो यूनिट ऑफ सी ले लो, वही लिया है मैंने यहाँ पे, इज दैट क्लियर। इनको मिला के मैं एक यूनिट ऑफ जेड बना सकता हूँ, और जेड से मैं 40 रुपए का मुनाफा कमा सकता हूँ। तो ये रिसोर्स को खरीदने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा दैट इज 40 रुपीज, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, क्लियर हुआ ये पॉइंट। सिमिलरली दो यूनिट ऑफ ए, एक यूनिट ऑफ बी और ठीक बात, फाइव यूनिट ऑफ सी को मिला के मैं एक यूनिट ऑफ वाई बना लेता हूँ, और वहाँ से मेरे को 25 रुपए का मुनाफा होता है। सिमिलरली 1, 4 और 1 को यूज करके मैं एक यूनिट ऑफ जेड बनाऊंगा, जहाँ पे कि मेरे को 50 रुपए का मुनाफा होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी, सॉल्व किया था क्वेश्चन को, क्या आंसर है, चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैं डायरेक्टली आ जा रहा हूं इसके फाइनल सिंप्लेक्स टेबल पे,
क्या हुआ? चलिए मैं डायरेक्टली आ गया हूँ सिंप्लेक्स की फाइनल टेबल पे। सिंप्लेक्स की फाइनल टेबल पे ऑप्टिमल टेबल जो है वो मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। अब ये जो ऑप्टिमल टेबल है इससे आपको दोनों सवालों के जवाब मिल जाएगा, प्राइमल का भी आंसर मिल जाएगा और ड्यूअल का भी आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइमल सॉल्यूशन? प्राइमल का क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कितना? एक्स 20 करेक्ट है। एक्स आ गया 20, एक्स आ गया 20, वाई इक्वल टू 0 करेक्ट है और जेड इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को चाहिए ड्यूअल वेरिएबल का वैल्यू। ड्यूअल वेरिएबल का वैल्यू तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहला वेरिएबल जो वाई वन था, पहला वेरिएबल जो वाई वन था वो पहले कंस्टेंट के लिए था। पहले कंस्टेंट का स्लैक वेरिएबल कौन है? एस वन करेक्ट है। तो आप एस वन पे आ जाओ सी जे माइनस जेड जे के रो में करेक्ट है। तो यहां से आपको मिला y1 वन इज इक्वल्स टू जीरो, आई गॉट y1 वन इज इक्वल्स टू जीरो। वाई टू नहीं, माइनस साइन को आप एलिमिनेट करेंगे, माइनस साइन को आप हटा देंगे क्योंकि अपने जो भी वेरिएबल्स है वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल है। तो y2 मेरे को मिला 10 और y3 मेरे को मिला वापस 10। सी जे माइनस जेड जे में आपको जो भी वैल्यूज मिल रही है वहां से आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? अभी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? 1050 1050, और यही ये जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू 1050। जेड की मैक्सिमम वैल्यू आई 1050, तो वही डब्ल्यू की मिनिमम वैल्यू भी होगी। करेक्ट है? यस नो? चलो अब मेरे को ये बताओ, मैं वाई की एक भी यूनिट क्यों नहीं बना रहा? वाई जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, क्यों नहीं बना रहा मैं वाई की कोई भी यूनिट? प्रॉफिट कम हो, क्यों कम हो रहा है प्रॉफिट? y की अगर आप ये टेबल को देखो, ये y की वैल्यू अगर आप देखो तो y की एक यूनिट बनाने से 35 रुपए का नुकसान होगा। इज दैट क्लियर? अभी 35 रुपए कैसे आया? ये 35 रुपए कैसे आया? 35 रुपए आया कि y को बनाने के लिए दो यूनिट ऑफ a चाहिए और एक यूनिट ऑफ y, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट जो आएगी मेरी वो y1, जो मेरे को कॉस्ट मिलेगी दैट वुड बी 2y1 प्लस y2 प्लस y3। तो जो मेरे को इनपुट कॉस्ट आएगा वो 60 रुपए का आएगा, जबकि मेरे को प्रॉफिट जो हो रहा है वो 25 रुपए का ही हो रहा है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब एक यूनिट बनाने से मेरा 35 रुपए का नुकसान होने वाला है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अब ये बताओ कि y1 का वैल्यू जीरो क्यों आया? y1 का वैल्यू जीरो क्यों आया? y1 इक्वल टू जीरो, क्या रॉ मटेरियल ए मेरे को फ्री में मिल रहा है? नहीं, मेरे को फ्री में नहीं मिल रहा। लेकिन बच्चों अभी मैं रॉ मटेरियल y1 को खरीदने के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। क्यों नहीं खर्च करूंगा चलो देख लेते हैं, क्यों नहीं खर्च करूंगा चलो देख लेते हैं। अभी हमने क्या डिसाइड किया कि हमने बनाना है, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए एक्स की 20 यूनिट बनानी है। x की हमको 20 यूनिट बनानी है और क्या था, z था ना, z की 5 यूनिट बनानी है। क-
करेक्ट। अब x की 20 यूनिट बनाने के लिए, x की 20 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल a कितना लगेगा? x की 20 यूनिट मेरे को बनानी है, x की 20 यूनिट बनानी है तो रॉ मटेरियल a जो लगा वो 20 यूनिट लगेगा, ठीक है। और z की मेरे को 5 यूनिट बनानी है, तो टोटल जो कंजम्पशन मेरे पास में आ रहा है रॉ मटेरियल ए का वो 25 यूनिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 1050 मिलेगा जिसके लिए आपको रॉ मटेरियल ए की 25 यूनिट ही यूज करनी पड़ रही है, जबकि आपके पास में ऑलरेडी 36 यूनिट है। इज दैट क्लियर? तो अगर मान लो मैं रॉ मटेरियल ए की और यूनिट खरीद लेता हूं तो क्या मेरे को मुनाफा होगा क्या? अगर मैं रॉ मटेरियल क्या होगा, क्योंकि मेरे को तो 1050 का मुनाफा कमाने के लिए 25 यूनिट की जरूरत थी रॉ मटेरियल ए की। इज दैट क्लियर? और आपके पास ऑलरेडी 36 यूनिट पड़ी हुई है, तो आपके पास जो ए की एक्स्ट्रा यूनिट बची हुई है तो आपको ए खरीद के आप अपने मुनाफे को नहीं इंक्रीज कर सकते। क्लियर हुआ? चलिए अब बी और सी का जो यूनिट वर्थ आ रहा था वो 10 रुपए आ रहा था, करेक्ट है। अभी बी की मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है? 40 प्लस 20, बी 25 क्या था, हाँ 20 था ना। तो एक्स की 2 यूनिट, अरे एक्स की मेरे को 20 यूनिट बनानी है तो रॉ मटेरियल 20 लगा, सॉरी 2 × 20 यानी कि 40 हो गया, प्लस 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 60। अभी आपके पास प्रेजेंट कितनी यूनिट है? 60। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप रॉ मटेरियल ए को खरीद, बी को खरीद लेते हो, बी को खरीद लेते हो तो आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हो, करेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि बी की एक यूनिट की अभी जो वैल्यू है वो 10 रुपए के बराबर है। बी की एक यूनिट में एडिशन करने से मेरा प्रॉफिट जो है वो 10 रुपए इंक्रीज हो सकता है। क्लियर हुआ बेटा ये बात? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? तो यूनिट वर्थ का मतलब समझ में आया? यूनिट वर्थ का मतलब मेरे लिए उस रॉ मटेरियल का क्या वर्थ है। जैसे मेरे को दिखा कि रॉ मटेरियल ए का वर्थ मेरे लिए 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है जीरो? जितना मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए चाहिए उससे ज्यादा एक ही यूनिट मेरे पास रखी हुई है, तो एक ही यूनिट और खरीदने से मेरा प्रॉफिट तो बढ़ने वाला नहीं। मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा यदि मैं बी या सी की और यूनिट परचेस कर रहा हूं तो। क्लियर हुआ ये? चलिए थ्योरम फॉर ड्यूअलिटी, फर्स्ट ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल क्या मिलेगा मेरे को? हाँ, ड्यूअल का अगर वापस से मैं ड्यूअल ले लेता हूं तो वापस मेरे को मेरी इनिशियल प्रॉब्लम मिल जाएगी, करेक्ट है। तो ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल इज प्राइमल इफ प्राइमल हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन ड्यूअल विल बी infeasible अगर प्राइमल का अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस कंडीशन में जो आपका ड्यूअल होगा दैट वुड बी इनफीजिबल, राइट। इफ प्राइमल हैज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ड्यूअल विल बी यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन,
एट ए ऑप्टिमल पॉइंट, एट ऑप्टिमल पॉइंट जेड मैक्स वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू मिनिमम। अगर प्राइमल का यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है तो उसका मतलब ड्यूल में भी यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, करेक्ट है। और जो वैल्यू आपको जेड मैक्स की मिलेगी वही वैल्यू आपको डब्ल्यू मीन की मिलेगी, इज दैट क्लियर? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स रिगार्डिंग द ड्यूअलिटी। चलिए